दोस्तों, हमने अनेक अनेक कहानियां सुनी होंगी, पर मुझे ये कहानी सबसे खास लगती है। और ये कहानी है आजादी की कहानी, हिंदुस्तान की आजादी की कहानी। जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली रातों की कहानी, कहानी उनकी जिनकी अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी थी और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली प्रचंडकारी थी और यह चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र, इसी चेतना को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई देने लगी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता के नभमंडल पर एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। उन्नीस की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था, तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिस कर्मियों की जानें चली गई। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नया तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता था। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। 24 दिन, 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़े। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। डांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और उसके साथ ही सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रह समूह किस्सा खानी बाजार में अंग्रेजों ने इस समूह पर खुलेआम गोलियां चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तान कर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार तक नहीं किया। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश के जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अब्दुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली।
भारत छोड़ो आंदोलन के निर्णायक बिंदु इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक चलाई गई। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जा रही थी। मरने से तू कभी न डर, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और उसके साथ अब यही इसका अंत हो गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes, the stroke of the midnight hour, when the world sleeps. India will awake to life and freedom.